बहुत रूप है तप के, पूजा कर रहे हैं लगातार, घंटे भर पूजा ही कर रहे हैं। और इस कलयुग में तो मोबाइल छोड़ करके धर्म ध्यान करना यही सबसे बड़ा तप हो गया। आप 1.5 घंटे से मोबाइल छोड़ के बैठे हो यहां पर, कोई 3 घंटे से बैठा है, कोई 4 घंटे से बैठा है, ये आपका तप ही चल रहा है। जिनका कंट्रोल नहीं है इच्छा पर, वो मोबाइल पर जैसे एक बंदर दूसरे बंदर के जुएं बीनता है ना, देखा आपने? नहीं देखा हो तो पुरानी मिले में चले जाना, जब वो शांति से बैठे हों तो एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं, बीनते रहते हैं। ऐसे ही ये बंदरों का वंशज भी मोबाइल ले लेता है और उसमें भी यूं 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 करता रहता है। प्रवृत्ति वही, सोच नई। प्रवृत्ति तो वही जुएं बीनने वाली है, सोच नई हो गई है। इसलिए कहते हैं उपास वाले तप हों बहुत अच्छी बात, नहीं तो हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपास भी किया करो, महीने में एक दिन मोबाइल का उपास। आज मोबाइल नहीं छुएंगे, खाएंगे तो नहीं, उपयोग नहीं करेंगे, 24 घंटे में 10 घंटे मोबाइल का उपास, मोबाइल नहीं छुएंगे, उपयोग नहीं करेंगे। अभी जो 10 उपास करने वाले हैं आज सुबह देखा हमने 26 उपास वाली अम्मा, वो भी मोबाइल पर बात कर रही थी। अरे साहब, ये उपास तो हो सकते हैं लेकिन मोबाइल और सास कामनाएं छूटना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी करिएगा, करना चाहिए, संकल्प करो अष्टमी चतुर्दशी का उपास हो और मोबाइल का भी त्याग हो। उपास भले हो पाए ना हो पाए, एकासन हो और मोबाइल का कम से कम सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा हो तो सूचना दे दो सबको कि अमुक दिन मैं केवल 9 से 10 बजे तक मोबाइल यूज़ करता हूँ, दिन में केवल 5 बार उठाता हूँ, बस ऐसा कुछ भी करके अपना नियम बनाइए। महीने में जैसे लेते ना, बोले महाराज जी मैं एक साल का त्याग रात्रि भोजन और महीने में 31 दिन की छूट, कितनी? हाँ लोग कोई 1 दिन बोलते, 2 दिन बोलते, 3 दिन, 5 दिन, हम सोचते हैं कि पूरे 1 दिन 31 दिन की क्यों नहीं छूट, 30 दिन की छूट क्यों नहीं ले लेते हो? अरे वही तो परीक्षा है, वही तो तप है। जिस दिन नहीं मिला फिर भी आप डटे रहे, वो तप की श्रेणी में चला जाएगा। अच्छा मान लो बहुत जरूरी है महीने में 2 दिन की छूट रख ली, ऐसे ही जरूरी है दिन में 2 घंटे की छूट रख ली, 2 बार फोन उठाने की छूट रख ली, बाकी तो पालन करो। तो चित्त वृत्ति का निरोध करो, चित्त तो चंचल है, लगा रहता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना। स्वरूप प्रतपनम, स्वरूप में चितानंद चैतन्य घन स्वरूपो हम। बाहुबली स्वामी कैसे खड़े रहे साल भर तक, आदिश्वर स्वामी कैसे 6 महीने तक लगातार तप करते रहे। स्वरूप प्रतपनम, इच्छा निरोध तपह, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपह। ज्ञान रखिए, जीव को जीतना बहुत कठिन है, 5 इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है, अगर आपने इसको जीत लिया तो जग को जीत लिया। जीव को जीतो, कम बोलो काम का बोलो, कम खाओ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो वो खाओ। स्वाद और विवाद दोनों छोड़ो, स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। स्वाद छोड़ोगे तो शरीर को फायदा होगा और विवाद छोड़ोगे तो समाज को फायदा होगा, परिवार को फायदा होगा, रिश्तों को फायदा होगा। विवाद छोड़ दो, झगड़ा करना बंद कर दो। यानी भले योगी बनो न बनो,
उपयोगी जरूर बनो। मौके पर किसी के काम आ गए, किसी का सहयोग कर दिया, ये भी जीवन में एक तप है। निस्वार्थ रूप से आप किसी की सहायता भी नहीं कर पाते हैं, और जो करते हैं वो तप की श्रेणी में चला जाता है। सावधानी बरतें और जीवन में हर मौके को तप बनाने का अभ्यास करें। देखो, शोधन किया जाए तो जहर भी औषध का काम करता है। अग्नि वगैरह से शोधन कर लिया जाए तो जहर भी अमृत का काम करता है, और तप से इस आत्मा का शोधन कर लिया जाए तो आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। ध्यान रखिए, ये दुनिया सांप सीढ़ी का खेल है, और चढ़ते गए तो सिद्ध तला तक पहुंच जाओगे। ये उपास जो है ना, ये सांप सीढ़ी का खेल है, चढ़ते गए तो आखिरी दिन बड़ा सम्मान पाओगे, पुण्य कमाओगे, और कहीं गरम गरम पकौड़ी देख करके फिसल गए, काजलू कतली देख करके फिसल गए, तो फिर नीचे गिरोगे जरा से चूके कि गए काम से। सौभाग्यशालियों, लोकत्रयेऽपि तन्नास्ति तपसा यन्न साध्यते, बलानाम ही समस्तानाम स्थित मूर्धनि तपोबलम। इस तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे तप के बल से सिद्ध न किया जाए। सारे बलों में सबसे बड़ा बल है तप का। माता का तप संतान को ऊंचा उठाता है, पत्नी का तप पति को सम्मान दिलाता है, पत्नी का सतीत्व परिवार की शोभा बढ़ाता है। माँ का तप ही तो है, गृहस्थी का हार काम संभालती है, फिर भी पूजा के लिए जाप के लिए भी समय निकाल लेते हैं। गृहस्थी में रह करके जो धर्म ध्यान कर रहा है, छह आवश्यक कर्तव्यों का पालन कर रहा है, देव पूजा गुरु उपासना कर रहा है, स्वाध्याय संयम तप दान कर रहा है, वो तपस्वी समझना। ये माँ बच्चे का टिफिन भी लगा देती है, स्कूल भी भेज देती है, पति को भोजन भी करा देती है, चौका भी तैयार कर लेती है, पड़गाहन भी कर लेती है। क्या कहेंगे आप इसे? भले भोजन त्याग किया हो ना किया हो, रस छोड़े हो ना छोड़े हो, लेकिन अपने चित्त को जो कठोरता से सही दिशा दी, चौका जरूरी है, पड़गाहन जरूरी है, पूजा जरूरी है, जो अपने चित्त को सही सही रास्ता देना भी तप ही तो है। नहीं तो बहुत मेहनत हो गई, आज तो उपास हो गया, आज तो आराम करेंगे। सौभाग्यशालियों, जीवन में तपस्या बहुत बड़ी चीज है, संकल्प बहुत सामर्थ्य रखते हैं। तप को तो तीर्थंकर ध्यावें, तप बिन मोक्ष कभी नहीं पावें, तप स्यो महल तनो मग जानो, तप ही तें सब कर्म हरानो। तप तो तीर्थंकर भी चाहते हैं, बिना तप जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, ये सब जिसके बिना जिन राज भी नहीं सीझे, उन्हें मोक्ष जाना ही है, वो तीर्थंकर हैं, लेकिन फिर भी वो विधि पूर्वक संयम स्वीकार करते हैं। और देखो, तुमने तप नहीं किया तो तुम जग के कीचड़ में उलझे हुए हो, और उनने तप किया
तो वो पार हो गए। इसलिए हम कामनाएं वासनाएं छोड़ें, जितना इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा जीवन मंगलमय बनेगा। अरे जब साधक बने हैं तो तपस्या से जी क्या जुराना, जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना, जब मुनि बनी गए तो केसलों से क्या डरना है, जब मुनि बन गए हैं तो उपास से क्या डरना है, विहार से क्या डरना है, पानी बरसने लगे रास्ते में गोले पड़ जाएं तो बड़े मेला रहे। एक कस्बा है बुंदेलखंड में, वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, फिर शिखर जी के लिए विहार हुआ। विहार होते ही वहाँ तो केसलों छुए थे और विहार होते ही रास्ते में जोरों का पानी पड़ा, पानी जो शुरू में पड़ता है वो ओले वाला पड़ता है। तो आओ स्टेशन पर अगली जगह पहुँचे, गुरु महाराज बोले सर मुड़ाए ओले पड़े। लेकिन क्या है, अब जब मुखली में सिर दे दिया है तो प्रैक्टिकल हो जाता है कभी कभी। यानी जिन वाणी में प्राकृत में बहुत सारी गाथाएं लिखी हैं तब को सिखाने समझाने वाली, संस्कृत में भी बहुत सारे श्लोक लिखे हैं कि तप करो, और स्वाध्याय को कई जगह बड़ा तप कहा कि स्वाध्याय तो करो ही। नभि अस्थि नभि हो दिहि सज्जाय समम परम तबो कम्भम, भगवती आराधना में मूलाचार में। लेकिन हिंदी के कवियों ने, अपभ्रंश के कवियों ने देसी भाषाओं में भी तप के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। आज हिंदी दिवस भी है ना, कि कल हो गया, कभी मनाओ रोज मनाओ, हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी। आज आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, प्राकृत नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझते, कल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी टोडासरा और उनको प्राकृत की किताब दी, ब्राह्मी लिपि दी, तो बड़ा मतलब निहार के और चक्कर में पड़ गए कि क्या है। उनको बताया कि प्राचीनतम भाषा प्राकृत है, ये ब्राह्मी लिपि है। तो स्थिति यह है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्राचीन भाषा और लिपियों का पकड़ नहीं होती है, नहीं है तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी का स्वाध्याय करो, हिंदी के माध्यम से भी आप पुराण साहित्य पढ़ सकते हैं, प्रवचन साहित्य पढ़ सकते हैं। चित्त का स्थिर होना ही एक तरह का तप है। जब आप निरंतर पढ़ रहे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी एक तप ही कर रहे हैं, ध्यान रखिए। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी, प्राकृत से जन्मी है हिंदी, अभ्रंश से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी, लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करती है हिंदी। वाणी की आपको अंग्रेजी नहीं आती है ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन जिस हिंद में जन्मे हैं और हिंदी नहीं आती है ये शर्म की बात। ये भाषा तो कर ही लो कम से कम कंप्लीट, ये से तो समझ में आना ही चाहिए। अगर विचार करें तो प्राकृत भाषा से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश ही धीरे धीरे देसी रूप धारण किया, और उस देसी में भी एक जो सुसंस्कृत रूप हुआ वो हिंदी का रूप है। इसका मतलब है कि हिंदी की माँ अपभ्रंश है, हिंदी की दादी प्राकृत है, और हिंदी की मौसी संस्कृत है। ये पूरा परिवार है भारत की भाषाओं का। आपको कोई भी समझ में आ जाए उसी से आप पढ़ लो, उसी से सीख लो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। कोई मेहमान आएगा और आपको एक बार आम खिलाएगा, मेहमान आम लेके आया आम खिला के गया,
राम फल खिला के गया, आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपके गांव में रोज रोज आम आ जाएंगे। लेकिन अगर वो मेहमान आपको आम का पेड़ लगाना सिखा गया, आम का पेड़ लगा गया, तो आप रोज रोज आम खा पाएंगे। ऐसे ही मुनिराज अतिथि हैं, वो स्वाध्याय के आम आपको खिला रहे हैं, प्रवचन के आम महीने 15 दिन खिलाएंगे, 4 महीने खिलाएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन उनके कहे अनुसार स्वाध्याय का पेड़ आपने अपने घर में लगा दिया, जिनालय में लगा दिया, तो आप रोज रोज जिनवाणी के आम खाएंगे, रोज रोज तत्व चिंतन की दिशा में आप बढ़ते जाएंगे। सौभाग्यशालियों, तप कल्याणक का महत्व तो आप इसी से मान लो कि लोकांतिक देव और किसी कल्याणक में आए ना आए, वो तप कल्याणक में जरूर आते हैं। और तीर्थंकर का तप कल्याणक भी जरूर मनाया जाता है। केवल 5 मुख्य प्रोग्राम्स होते हैं तीर्थंकर की लाइफ के, यूं तो ढेरों होते होंगे लेकिन फाइनली कितने होते हैं, उसमें ये गर्भ है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसमें जन्म है वो कितना महत्वपूर्ण, तप भी उसमें एक कल्याणक है कि आप दीक्षा लेने तप लेने चले तो इसे भी मनाओ। फिर केवल अज्ञान, फिर मोक्ष, मोक्ष को मनाते तो समझ में आता, तप को भी मना रहे, इसका मतलब है तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। और सच्चा तपस्वी ख्याति पूजा प्रतिष्ठा के झंझट में नहीं पड़ता, वो तो तप करने के लिए तप करता है। एक बार एक सज्जन आया और पूछने लगे गुरुवर सन्मति सागर जी से, आपके 10,000 उपास तो हो गए होंगे। महाराज बोले, महाराज ने एक बार कुछ नहीं कहा, उन्होंने फिर कहा, इतने उपास करते हैं आप, आहार से ज्यादा तो उपास होते हैं, तो 10,000 तो हो गए होंगे। उनने बहुत छोटा सा जवाब दिया, मैं सिर्फ तप करता हूं, मैं गिनती नहीं करता। जब कर्म हुए हैं जीव ने, जब संसार में कर्म बांधे हैं, तो वो भी तो बिना गिने बांधे हैं, तो तब भी बिना गिने ही कठोरता से करना होगा, तभी विकारों का कर्मों का नाश होगा। अपन सभी निर्विकार दशा को उपलब्ध हों, चित्त शांत हो, माला फेरें तो माला में भी मन लगे, ऐसा ना हो कि माला हाथ में हो और दिमाग में माल घूम रहा हो। माला तो कर में फेरे, जीव फेरे मुख माही, मनुआ फेरे मार्केट में, ये तो सुमरन। थोड़ी स्थिरता बढ़ाइएगा, आपका मंगल होगा। जय बोलिए।